जब सारे व्यवसाय व्यापार बंद था, जब हमने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से इमली खरीदने, महुआ खरीदने की व्यवस्था की, और जो 17 रुपये में जो महुआ बिकता था उसको 30 रुपये में खरीदी करने का फैसला लिया, तो महिलाओं को काम भी मिला और साथ ही उनके जो मेहनत है उसका सम्मान। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होना, गोधन न्याय योजना खूब लोग हंसी उड़ा रहे, ये इसको राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए, गोबर का लीटर में तौलेंगे कि किलो में खरीदेंगे, वो इस प्रकार से सब बात कर रहे थे। लेकिन दो सालों में आप देखेंगे कि हमने 100 लाख क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी कर ली, 2 रुपये के हिसाब से करेंगे तो 200 करोड़ रुपया लोगों की जेब में पहुंच गया है। और मैं बताना चाह रहा हूँ 3.5 लाख लोग जो गोबर बेचते हैं उसमें से 40 से 45% महिलाएं, महिलाओं के खाते में जा रहा पैसा। उसके कारण से जो घरों की छोटी छोटी जो जरूरतें थी उसको पूरा करने में महिलाएं सफल हुई। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से केवल गोबर खरीदी नहीं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट गमला दिया। अब तो रायपुर में जो महिलाएं हैं और रायपुर के साथ साथ करीब 29 जिलों में अब प्राकृतिक पेंट बना रहे, गोबर से पेंट बना रहे, मतलब एक प्रकार से इंडस्ट्री चला रही है हमारी महिलाएं। और अभी तक 18,000 लीटर से अधिक प्राकृतिक पेंट बना चुकी है। और ये जितने भी शासकीय बिल्डिंग है, इस साल हमने तय किया जितने भी स्कूल है, जितने आश्रम है, जितने छात्रावास है, हमारे तहसील कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय है, एडीएम कार्यालय है, सारे शासकीय बिल्डिंग की पोताई केवल प्राकृतिक पेंट से होगा। मतलब उत्पादन करने की, विक्रय करने की चिंता आपको नहीं है। तो उस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने का, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का, गांव में जाएंगे देखेंगे जितने गौठान हैं उससे लगी हुई जमीन 1.5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन हमने सब्जी पालन के दिया है। 8-10 महिलाएं ग्रुप बना के सब्जी उत्पादन कर रही, घर में भी उसका उपयोग हो रहा है और बाजार में बेचने का काम आ रहा है। और उसके साथ साथ अब जैसे कि अभी अनिला भाभी ने जो आपको बताया कि 3% राशि में आपको ब्याज मिलेगा, तो ये तो महिलाओं के लिए, और केवल 3% ब्याज की बात नहीं है, पहले 2 लाख सीमा था, अब उसको 4 लाख रुपया कर दिया गया ताकि आप रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और उससे बढ़कर अब हम लोगों ने पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी के नाम से हमने शुरू किया था, अब उसको शहर में भी शुरू कर रहे हैं, शहरी इंडस्ट्री रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क भी इसकी शुरुआत हमने इस बजट में प्रावधानित किया है। जितने नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, खाली पड़ी जमीन है उसमें हम लोग इसको डेवलप करेंगे, उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, घेरा की व्यवस्था, अप्रोच रोड, वो सब बना के देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बैंक फाइनेंसिंग कराना है, वो भी हमारे अधिकारी आपको मदद करेंगे और आपको अपने इंडस्ट्री जो आपके पास हुनर है उसके माध्यम से आप उसमें इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो उससे हमारे जो छोटे छोटे जो हुनरमंद लोग हैं, पारंपरिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम देंगे और नए जो उद्योग लाना चाहते हैं उसको भी अवसर देंगे। तो अभी तक 300 हमने शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, 600 करोड़ रुपये हमने दे भी दिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, और कुछ जगह इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, अब इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो शहरी क्षेत्र। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से आपको कैसे मजबूत बनाना है, दूसरा पहले ग्रामीण क्षेत्र में ही भूमि श्रमिक न्याय योजना था, जैसे 7,000 रुपये सालाना हम देते थे, अब उसको नगर पंचायतों को भी जोड़ दिया, जितने भी हमारे नगर पंचायत में जो भूमि श्रमिक है, क्योंकि एक बड़ा गांव कस्बा के रूप में रहता है नगर पंचायत, वहां भी खेती किसानी पे रहते हैं, तो उसको भी हम 7,000 रुपये देने का फैसला इस बजट में अभी शामिल किया ताकि इसका विस्तार हो सके, लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, ये हमारी कोशिश। तो लगातार प्रयास यही है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। आर्थिक रूप से जब मजबूत होगा, बहुत सारे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अनेक बहनों ने अपनी बातें कही, उन्होंने कहा गोबर बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, कोई मछली पालन करके, कोई बकरी पालन करके, कोई अंडा उत्पादन कर रहे हैं, तो अलग अलग कार्यों में हमारी
बहने लगी हुई है और उससे रोजगार प्राप्त कर रही है। उससे मैंने पूछा ये जो पैसा कमा रही है और इसको क्या करती है, तो कोई कहते हैं बच्चे पढ़ाने में, कोई कहते हैं मकान बनाने में, कोई बोलते हैं कि घर में खेती किसानी के लिए हम सहयोग करते हैं अपने पति को परिवार को। तो मैंने पूछा, सूरजपुर जिले की बात है, वहां एक महिला से पूछा, मैं बोला हम लोग बैठे थे, उसको माइक नहीं था, हम लोग गौठान में बैठे थे, आपस में 20-25 महिलाएं थी, हम लोग कुछ अधिकारी हमारे कलेक्टर एसपी भी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा पहले और अब में जब आप पैसा कमाने लगी हैं तो घर के लोगों का रवैया आपके प्रति क्या है। उस महिला ने कहा बड़ा परिवर्तन आया भैया, इस योजना के कारण से हम घर में हमारा सम्मान बढ़ा। तो जो आप सम्मान है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हर महिला को अधिकार है कि आप सम्मान के साथ जिए, और उसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षित हो और उसके हाथ में आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, ये दो चीज बहुत जरूरी है। तो ये इस काम में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हमारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।